Assalamualaikum and welcome. I am Aisha Naz, digital marketer and online IT trainer. Beyond series का चौथा lecture है जिसमें हम देखेंगे कि हम अपने characters को किसी भी circle में किस तरह से fit कर सकते हैं. ये एक ऐसा option है कि जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता. So आज की class में depth में सीखेंगे कि किसी भी character को जब हम अपनी animation क्रिएट कर रहे हैं, अपनी वीडियो बना रहे हैं, तो उसको हमने इस तरह से, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, किसी भी सर्कल में फिट करना है तो कैसे फिट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लूँगी, ठीक है. ये ब्लैंक बैकग्राउंड है, ओके. बैकग्राउंड हमने ले लिया है. अब मैं यहाँ से करेक्टर से कोई से दो करेक्टर ले लेती हूँ, लाइक दिस वन एंड दिस वन. ओके जी, अब इन करेक्टर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ. करेक्टर्स को इतना बड़ा करना है कि आपका जो वीडियो है वो भी अच्छा लगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो वीडियो है उसमें सिर्फ करेक्टर ही करेक्टर नज़र आ रहे हूँ, और इतना छोटा भी नहीं करना कि वो नज़र ही ना आ रहे हो, ठीक है. सो आपने इनको ना ज़्यादा बड़ा करना है ना ज़्यादा छोटा करना है, इतना ही रखना है जितना कि ये देखने में अच्छे लगे. सो नेक्स्ट है जी प्रॉप्स. प्रॉप्स में जाके हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे सर्कल फ्रेम. ओके जी, यहाँ पे एक सर्कल फ्रेम आएगा, ठीक है. ये है जी, इसको आपने क्लिक कर लेना, ठीक है. और इसको हम इसके फेस के हिसाब से सेट कर देंगे, समथिंग लाइक दिस. इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रही हूँ. आप अपने करेक्टर के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं. ओके, सो इसी तरह से अब इसकी मैं एक कॉपी जनरेट कर लूँगी, और कॉपी जनरेट करके इसको भी मैं इसी तरह से सेट कर लूँगी यहाँ पे. ओके, सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. अब अगर हम इनको इसी तरह से गो थ्रू करें और अपना जो भी हम लोगों ने वर्किंग करनी है इसी के ऊपर करें, तो ये बहुत एक अजीब सा ग्राफिक या अजीब सा एनिमेटेड वीडियो लग रहा है, जिसमें हम लोगों को या देखने वालों को पता चल रहा है कि हमने करेक्टर को इस फ्रेम के पीछे फिट कर दिया है. सो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फ्रेम को क्लिक करेंगे, और उसके बाद इस आई ड्रॉपर को लेंगे, और आपका जो बैकग्राउंड कलर है, याद रखिए कि बैकग्राउंड कलर आपका सॉलिड होना चाहिए, ठीक है जी. मेरा वाइट कलर है तो मैं अपना बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ से पिक कर लूँगी. ओके जी, इसी तरह से अब दूसरे फ्रेम को आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आके बैकग्राउंड कलर जैसा कलर जो है वो पिक कर लेना है. दैट्स इट. सो अब हमें ये चीज़ वाजह तौर पे नज़र आ रही है कि हमारा जो करेक्टर है ऐसा लग रहा है देखते हुए कि हमने इसकी कटिंग की हुई है, हालांकि ऐसा नहीं है. सो प्रॉप में जाएंगे दोबारा, और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्कल्स. जब हम सर्कल्स लिखेंगे, प्लेंटी ऑफ सर्कल्स हमारे सामने विजिबल होंगे, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं. मैं ये वाला सर्कल चूज़ करूँगी, और इसको हम अपनी नीड के मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकते हैं. मैं इसको अब इसके फेस के मुताबिक फिट कर देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके, लाइक दिस. ओके, सो ये ठीक है बिल्कुल. अब इसी की एक कॉपी जनरेट कर लेती हूँ, और ये कॉपी मैं यहाँ पे फिट कर देती हूँ इसी तरह से, ठीक है. आप इस फ्रेम को बड़ा या छोटा अपनी नीड के मुताबिक, जिस तरह से आपको बेटर लगता है, अपने करेक्टर के मुताबिक उस तरह से आप इसको कर सकते हैं. ओके, सो अभी क्या है कि हमने अपने करेक्टर्स को सर्कल के अंदर, ऐसा लग रहा है देखते हुए कि हमने इन सर्कल के अंदर फिट कर लिया अपने करेक्टर्स को, और इतने इतने सर्कल्स जो भी हमें नज़र आ रहे हैं सर्कल यहाँ पे, और इसके अंदर जो करेक्टर है हमने उसको क्रॉप कर लिया हुआ है. ओके, सो अब मैं क्या करूँगी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम जिससे ये ग्राफिक्स या एनिमेट जो भी आप कह लें ये बहुत ही प्रोफेशनल लगने वाला है. सो इसको मैं एक्शन दे दूँगी. यहाँ पर मैं इसको टॉप का एक्शन दूँगी. ये मुझे कुछ बेटर लग रहा है. ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, लाइक दिस.
और एक्सप्रेशन हम इसको देंगे लिपसिंग का, ताकि जब ये बोले करेक्टर तो लिपसिंग करता हुआ नजर आए। और इसके बाद है जी इसका फेस हमने लेफ्ट कर दिया। अब इसी तरह से ये दूसरा करेक्टर है, इसको भी मैं एक एक्शन यहां से दूंगी। ओके, ये ठीक लग रहा मुझे। इसको मिरर कर लेते हैं, मतलब इस तरह से कुछ। इस तरह से करने का मकसद ये है कि अगर ये एनिमेट कोई भी देखेगा, एनिमेटेड गिफ या फिर वीडियो या जो भी आप कहें, ये जब भी कोई देखेगा तो उसको देखते हुए ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ आएगी कि ये दोनों कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं। मैं इसको प्रीव्यू करती हूँ। सो आपने देखा कि बहुत प्रोफेशनली ये एक एनिमेट हमने क्रिएट किया है और बहुत सिंपल स्टेप्स के साथ। आई होप आज के लेक्चर की आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।